यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस भर्ती को लेकर इको गार्डन में 10 से 12 हजार अभ्यर्थी जुट गए हैं। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं, इसमें तरह तरह के स्लोगन लिखे हैं। प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पूरे गार्डन में PAC तैनात है। इको गार्डन में आए छात्रों का कहना है कि यहां से तभी जाएंगे जब सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है। परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था, ऐसे में मार्किंग ठीक कैसे होगी? इस तरह से जो लोग काबिल नहीं हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अंबेडकर नगर के अश्वनी वर्मा ने कहा कि कई अभ्यर्थियों के पास एक दिन पहले ही पेपर पहुंच गए थे, ऐसे हालात में हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। यही कारण है कि अब परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 जनवरी को यूपी में 75 जिले में हुई थी, जिसमें 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 48 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए, इस दौरान 254 सॉल्वर पकड़े गए। 17 और 18 को दो दो शिफ्ट में पेपर हुआ। 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर पहले लीक हुआ, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा और हम लोगों तक नहीं पहुंचा। 18 फरवरी का पेपर 17 तारीख को ही हम लोगों के पास सुबह 10 बजे था। क्वेश्चन आंसर आंसर की सीट सब कुछ के पास था, यानी पहले से पेपर लीक हो चुका था, वायरल हो चुका था, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह पहुँच चुका था। अब हम लोग ये चाहते हैं जब पेपर लीक हो चुका है तो पेपर का री एग्जाम होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ना भर्ती बोर्ड सुन रहा है ना हमारी सरकार सुन रही है। तो बस उसी से विनती की जा रही है कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 48 लाख। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।